नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात हम नहीं करने वाले हैं, आज हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंटों का यानी कि विद्यार्थियों के अधिकार के बारे में बात किया करेंगे, जो उनके अधिकार के साथ साथ नाइंसाफी की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है। एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके एक तैयारी करता है, सभी किताबों का अध्ययन करता है, उनके अधिकार को किस प्रकार से छीना जा रहा है, आज उन्हीं के अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों से दोस्तों वही चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ एक चीज मैं आप लोगों से यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका बीजेपी हो, क्योंकि सभी पार्टियों का एक ही जैसा हाल है, सभी पार्टियों का एक ही जैसा हाल है। अगर एक जैसा हाल ना होता तो सपा के बाद बसपा नहीं आती, बसपा के बाद आपका कांग्रेस नहीं आती, कांग्रेस के बाद आपका बीजेपी नहीं आती। तो इस सभी पार्टियों का एक ही जैसा हाल है, तो हम किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं है दोस्तों, और न किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूं। आज मैं विद्यार्थियों के अधिकार के बारे में बात करूंगा कि विद्यार्थियों के साथ कैसा नाइंसाफी किया जा रहा है, आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और मन की बात करके चले जाते हैं। जितनी भी बार वह मन की बात किए हैं, उनकी मन की बातों को हमने ध्यान पूर्वक से समझा है, बूझा है, जाना है, परखा है, देखा है। एक बार भी वह हमारे देश के युवाओं के बारे में, वह शिक्षा व्यवस्था के बारे में कभी नहीं भी मन की बात में उन्होंने चर्चा नहीं किया है, और इस चीज को मीडिया भी नहीं दिखाती है, क्योंकि मीडिया जो है सरकार के अनुसार चलती है, मीडिया जो है सरकार के अनुसार चलती है, जैसा जैसा सरकार चाहती है ठीक उसी प्रकार से मीडिया वाले ने दिखाते हैं। जैसा कि कोई भी मीडिया वाले को आप ले लीजिए, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे आपका इंडिया टीवी हो, चाहे जी न्यूज हो, कोई भी मीडिया वाले इस चीज को कभी नहीं दिखाते हैं कि विद्यार्थियों के अधिकार के बारे में विद्यार्थियों के साथ कैसा कैसा खिलवाड़ कर रही है सरकार, इस चीज को दिखाते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि मीडिया वाले जो है सरकार के अनुसार चलते हैं। इस समय आप देख लीजिए मीडिया पर क्या चल रहा है, दिन प्रतिदिन जब आप न्यूज चैनल को खोलोगे, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की मर्डर जो है पूरी तरीके से दिखाते हुए चले आ रहे हैं। 10-10 मिनट के अंतराल पर एक एक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। क्यों ये चीजें आपको बहुत तेजी से फैला रहे हैं भाई? इसका एक कारण है कि उनको व्यू मिलता है, कमाई होती है, उनका इनकम होता है, और इस देश के जो स्टूडेंट है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका अधिकार को लूटा जा रहा है, उनके बारे में मीडिया वालों के लिए कोई भी फर्क नहीं है, उनके बारे में कुछ भी नहीं वो बोल सकते हैं, आसानी से वो बैठे रहते हैं। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मीडिया वाले पूरी तरीके से बिके हुए हैं सरकार के, जिस तरह से सरकार काम कराना चाहती है ठीक उसी प्रकार से मीडिया वाले काम करते हैं, स्टूडेंट के बारे में जरा से भी नहीं ख्याल करते हैं। इस समय रिया चक्रवर्ती का क्या लिए हैं? कल सुशांत के साथ थी, आज किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ जाएगी, उनका क्या लिए हैं भाई? उसके बारे में क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट किए हैं? स्टूडेंटों के बारे में जरा से बात कीजिए और उसके बारे में ख्याल। देश का जब चुनाव होता है तो मात्र एक महीने के अंदर में पूरा चुनाव हो जाता है, इलेक्शन पूरा खत्म हो जाता है और सरकार बना लिया जाता है। यानी कि जब चुनाव आता है तो एक महीने के अंतर्गत में सब कुछ हो जाता है, चुनाव हो जाता है, 125 करोड़ जनसंख्या का और सरकार भी बन जाती है मात्र एक महीने में। और जब कोई एग्जाम करवाया जाता है तो दो साल, तीन साल लटका दिया जाता है, विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जाता है। एसएससी सीबीएसई 2018 का आप वैकेंसी देख लीजिए, पूरी तरीके से लटका रखा गया है, रिजल्ट का पता ही नहीं है कहाँ है, और जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसका कुल अता पता नहीं है, और किस प्रकार से ये घोटाला करते हैं। रेलवे की वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें से 2 करोड़ 50 हजार विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और एक विद्यार्थी से कितने रुपए लिए थे? 500 रुपए लिए थे। एक विद्यार्थी से 500 रुपए लिए थे, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, बहुत बड़ा रकम इन्होंने कमा लिया था। और इस वैकेंसी को 2 वर्ष इन्होंने लटका दिया था अब कहेंगे
कि हम तो 400 रुपए के बाद में वापस कर देते हैं, 400 रुपए एग्जाम होने के बाद वापस जरूर करते हैं 100 रुपया रखने के बाद, लेकिन 400 रुपए आप वापस करते हैं तो 2 वर्ष हमारे पूरे पैसे का आपने यूज किया, तो कितना मोटा रकम उसका आपने कमा लिया। 2 साल तो आपने यूज किया ना, तो कितना मोटा रकम आपने कमा लिया। तो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपकी कमाई तो चल रही है, लेकिन स्टूडेंटों का जो विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको कौन भरेगा भैया? वो चीज को आप ध्यान पूर्वक से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यह अन्याय चलने वाला नहीं है। और पूरे एजुकेशन के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं देख रहे हैं कि इस कंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस कंपेन में हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल होंगे, जितने भी यूट्यूब के चैनल के जितने भी छोटे बड़े चैनल के यूट्यूबर हैं, और इस चीज को एक साथ होकर के इसको आगे बढ़ाइए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, जिससे कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और हमें अधिकार मिले, हमारे स्टूडेंटों को हमारे विद्यार्थियों को अधिकार मिले। आप लोगों से देखिए इनका मेन फंडा क्या होता है, इनका मेन फंडा यह रहता है कि जब इलेक्शन आता है तभी ये वैकेंसी निकालते हैं फॉर्म भरवा लेते हैं, एग्जाम करवा लेते हैं, लेकिन एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको पूरी तरीके से रोक देते हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट को रोक देते हैं, और उस रिजल्ट को सालों साल तक रोके रहते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं, उस रिजल्ट को रोके रहते हैं। यूपी गवर्नमेंट का आप हाल देख लीजिए, 69,500 शिक्षक भर्ती को किस प्रकार से लटकाया है, 2019 की वैकेंसी को पूरी तरीके से लटका करके आज तक 2021 आने वाला है, आप देख रहे हैं कि अब तक लटकाया हुआ है। सभी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, हमारी नौकरी लगेगी, हमारे जीवन यापन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब सामने देखिए इलेक्शन है 2022 में, पूरी तरीके से उसको आगे दिन पर दिन लेकर चले जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा तभी इनकी वैकेंसी निकलती है। ठीक इस प्रकार से ये बजा कर रखते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं यहाँ पर नौकरी पाने के लिए भारत हम देश में हमारे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे ये दिमाग लगा करके अपना काम करते हैं, लेकिन इनका ये दिमाग जो है अब चलने वाला नहीं है। कैंपेन चालू है, इस आवाज को इतनी तेजी से आप आगे बढ़ाइए, इतने लोगों में शेयर करिए, इतनी इस शेयर को रोकिए मत, इतनी दूर तक आप इसको फैलाइए कि इस आवाज को देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हमारे अधिकार को पूरी तरीके से मिले। ये आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। आप देख रहे हैं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय बाबा जी हैं। बाबा जी जब इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारे वादे किए गए थे विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों से कि अगर बीजेपी सरकार हमारी सरकार अगर बनती है तो बहुत सारे वादा जो किए गए थे विद्यार्थियों को सपना दिखाया गया था, सारे सपने को साकार किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब तक बाबा जी ने 3.5 वर्ष लगभग हो चुके हैं, अब तक एक भी विद्यार्थियों के लिए साफ सफाई से वैकेंसी उन्होंने नहीं निकाला है, न तो क्लियर किया है, पूरी वैकेंसी को उन्होंने बजा कर रखा है। और आप देख सकते हैं 69,500 वैकेंसी को कैसे रोक रखे हैं, किस प्रकार से बची हुई है आप देख रहे हैं। और एक वादा सबसे बड़ा जो किया गया था युवाओं के लिए कि प्रत्येक वर्ष 30,000 सिपाही की भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन आप बताइए कि 3.5 वर्ष हो गए लगभग बाबा जी को मुख्यमंत्री बने हुए उत्तर प्रदेश की, कितनी वैकेंसियां सिपाही की इन्होंने पूरा किया है? जो भी निकाला है सब अटका कर रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप लोगों से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से सभी सरकार अपनी काम कर रही है, बीजेपी सरकार काम कर रही है। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा वायरल करें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, युवाओं को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, जो दिन रात एक करके मेहनत करके तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। और ये कैंपेन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के जितने भी एजुकेशन के बड़े बड़े चैनल हैं सभी चैनल ने ये आवाज उठाई है, तो हम लोग इस आवाज को उठाएंगे और इसको आवाज को काफी आगे तक बढ़ाएंगे, जिससे कि विद्यार्थियों का पूरा जो है अधिकार मिल सके, जो उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है वो चीज बंद हो। और आप लोगों से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जैसा बड़े बड़े यूट्यूब इस समय कह रहे हैं कि अपने नाम के पहले बेरोजगार आप लगाइए, बेरोजगार आप जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि ट्विटर हैंडल पर देख रहे हैं कि इसका स्टैंड जो है काफी अच्छे तरीके से पहले स्थान पर चल रहा है। तो आप अपने नाम के सामने बेरोजगार लगा करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करिए, जिससे कि हमारी आवाज आगे तक पहुंचे।